अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। डॉक्टर मोहम्मद अकील सैफ़ी गक्खड़ गुजरांवाला से 03026206785। हमारी आज की दवा होम्योपैथिक दवा, हमारा आज का मौजू रूटा। सबसे पहले ये बता दूं कि रूटा की ड्रग पिक्चर आज नहीं बयान करूंगा, जैसे मेरा अंदाज़ है हर दवा की ड्रग पिक्चर बयान करने का। हर दवा की कोई ना कोई ड्रग पिक्चर होती है, कुछ उसकी तस्वीर होती है, मरीज़ की कुछ हरकत होती हैं जो आते ही वो बयान करता है, उस नज़र आती हैं। तो ऐसी कोई ख़ास ड्रग पिक्चर नहीं जो बयान के काबिल हो, लेकिन रूटा का मिजाज ज़रूर है। जिन लोगों के अंदर रूटा की अलामत होती हैं, उनका जो मिजाज है वो गुस्से वाला होता है। रूटा कोई मिजाजी दवा भी नहीं, लेकिन तबीयत की वजह से, अपनी अलामत की वजह से, दर्दों की वजह से मरीज़ के अंदर गुस्सा होता है। गुस्से वाला होगा, अपनी मनमानी करने वाला, दूसरों की हर बात को रद्द करने वाला, यानी अपनी मनवाएगा, किसी की मानेगा नहीं, और लड़ाई झगड़ा करने के लिए हर वक्त तैयार होता है। ऐसे लोग जो दूसरों की नहीं मानते, अपनी मनवाते हैं, वो लड़ाई करने के लिए भी तैयार होते हैं। और ये रूटा का मिजाज है, उसकी ज़हनी हालत भी आप कह सकते हैं। मज़ीद इसकी ख़ास अलामात बयान करता हूँ। रूटा की ख़ास अलामात, रूटा नज़र की कमज़ोरी की दवा है। किस नज़र की कमज़ोरी की दवा? जहाँ पर कसरत मुतालिया या नज़र को एक जगह पर जब ज़्यादातर फोकस किया गया हो, नज़र को एक जगह पर ज़्यादा देर तक जमा कर रखा गया हो, तो वहाँ पर जब नज़र कमज़ोर हो जाए, ख़राब हो जाए, तो रूटा दवा होगी। यानी नज़र को ज़्यादा देर तक जमा कर नहीं रख सकता, ये रूटा की अलामत है कि नज़र को ज़्यादा देर तक जमा कर नहीं रख सकता, एक जगह पर फोकस नहीं रख सकता, नज़र कमज़ोर हो जाती है ज़्यादा देर तक फोकस रख रख कर। यानी नज़र वाला काम करके ज़्यादा देर तक एक नज़र को एक बार बार एक जगह पर जमाए रखने की वजह से जब नज़र कमज़ोर हो जाए, फिर वो रखना मुश्किल हो जाता है, तो वहाँ पर कौन सी दवा होगी? रूटा दवा होगी। और ज़्यादातर ये नज़र की दूर की नज़र की कमज़ोरी की दवा है, लेकिन नज़दीक की नज़र में भी बेहतर रिजल्ट देती है। और मोच आना, एक ख़ास चीज़ बयान कर दूं कि रूटा हम कहाँ देंगे? जहाँ पर ज़ोर पड़ने से आने वाली तकलीफ़ात की दवा है, वो चाहे आँख का ज़ोर हो, आँख से ज़ोर लगाया गया हो, या कलाई पर ज़ोर पड़ गया हो, कलाई की मोच हो, या पखाना से कबल कांच का बाहर निकलना हो, या हड्डी पर ज़ोर पड़ गया हो, ठीक है, तो वहाँ पर दवा रूटा होगी। चोट की दवा, मसल्स के चोट की दवा, पट्ठों के मसल्स की चोट की दवा आर्निका है, लेकिन हड्डी की चोट की दवा रूटा है। और हड्डियों के सिरों का बढ़ जाना, इसकी दवा भी रूटा है। और एक ख़ास अलामत है कि मरीज जिस करवट लेटा होता है, उसी करवट दर्द शुरू हो जाता है। सर्दी का बुखार जो चोट लगने के बाद हो, आर्निका में भी हो सकता है, लेकिन आर्निका का मरीज़ वो इलाज नहीं करवाना चाहता, वो कहता है मैं ठीक हूँ, मैं तंदुरुस्त हूँ, मुझे कुछ नहीं है, लेकिन रूटा गुस्सा में आने वाला और अपनी मनमानी करने वाला। पखाना करने से कबल कांच का बाहर निकलना, डूंडरी का बाहर निकलना, पखाने वाली जगह का बाहर निकलना पखाना से कबल, यानी सख्त पखाना होता है, कब्ज होती है, लेकिन जब ज़ोर लगाया जाता है तो पखाने वाली जगह बाहर आ जाती है, तो इसकी दवा रूटा है। और कमर दर्द को लेटने से सुकून मिलना,
यानी कमर दर्द है, लेकिन जब मरीज जब तक लेटा रहता है तो उस दर्द को सुकून रहता है। और इसकी मोडेलिटीज़ में बता दूं, सर्दी से तकलीफ़ात का बढ़ना और गर्मी से सुकून आना। रूटा की क्लिनिकल प्रैक्टिस में सबसे पहले बता दूं कि रूटा सर्द मौसम की दवा है। मरीज़ को एक तो सर्दी बहुत लगती है और सर्दी के मौसम में इसकी अलामत पैदा होती हैं। सर्दी के मौसम में मोच आ जाना, लकवा हो जाना, किसी जिस्म के किसी एक हिस्से का या चेहरे का लकवा हो जाना सर्दी की वजह से। वहाँ पर दूसरी अद्वियात भी हैं, कास्टिकम रिस्ट्राक्स भी है, लेकिन रूटा भी है। ज़माना कदीम में इसे बुखार के लिए और आँखों के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। और होम्योपैथिक में नज़र की कमज़ोरी के लिए, कांच निकलने के लिए, हड्डियों के सिरे का बढ़ जाना, हड्डियों के टूट जाने में, खसूसन हड्डियों की चोट में, कुरी हड्डी की चोट में बेहतरीन दवा रूटा है। दुमची की हड्डी की दर्द में बेहतरीन दवा दुमची की हड्डी, यानी ये रीढ़ की हड्डी का जो आखिरी नोक होती है, कोना होता है। अक्सर लोग ये वॉशरूम में गुसल करते हुए, बुज़ुर्ग हमारे गिर जाते हैं, या घरों में टाइल पत्थर वो नया लगाया हो तो वो काफ़ी स्लिप करने वाला होता है और लोग गिर जाते हैं, स्लिप हो जाते हैं और उनकी दुमची की हड्डी में चोट आ जाती है, वो टेढ़ी हो जाती है या टूट जाती है या वहाँ पर दर्द शुरू हो जाता है। दुमची की हड्डी का नीचे गिर जाने से वॉशरूम में या कहीं भी, तो दुमची की हड्डी की दर्द की दवा रूटा है। हड्डी की टूटने की दवा बेहतरीन दवा, ये आर्निका, सेम्फाइटम और कल्केरिया फास के साथ मिलकर बहुत अच्छा काम करती है। और मैं खुद भी रूटा को 30 में नज़र की कमज़ोरी के लिए दूँ तो 30 में, और हड्डी के लिए दूँ या कांच के लिए दूँ तो 200 में इस्तेमाल करता हूँ। और आर्निका के साथ रूटा बेहतरीन काम करती है, अगर हड्डी की चोट की दवाई दवा हो, हड्डी का चोट का मसला हो, अगर हड्डी टूटी हुई है तो कल्केरिया फास के साथ बेहतरीन है। मैंने अक्सर आर्निका, कल्केरिया फास और रूटा को मिला कर दिया है और साथ सेम्फाइटम मदर टिंक्चर दिया है, अगर हड्डी के टूटने का कोई मसला इस तरह पेश आया है। वैसे ये सेम्फाइटम और कल्केरिया फास की मावन है और इसकी अलामत शाम को तकलीफ़ ज़्यादा होती है, ये भी एक बहुत ख़ास चीज़ है। शाम को इसकी तकलीफ़ात ज़्यादा हो जाती हैं और सर्दी से भी ज़्यादा होती हैं, और गर्मी से, गर्म टकोर से, आग के करीब बैठने से इसे सुकून मिलता है। रूटा के चंद कामयाब केसेस हैं, वैसे तो बहुत ज़्यादा मैंने इस्तेमाल करवाई है, लेकिन जो भी मेरे जहन में हैं, वो एक मेरे पास पेशेंट आई जिसे मोहरों की, रीढ़ की हड्डी के जो मोहरे हैं वहाँ पर नोकें बढ़ी हुई थी, वहाँ पर दर्द था, और एक्सरे वगैरह और डॉक्टरों ने कहा जी आपके जो मोहरे की नोकें हैं वो बढ़ रही हैं। तो मैंने उनको कल्केरिया फ्लोर हकला लावा के साथ रूटा भी यूज़ करवाई, तो उनके तकरीबन 1.5 माह के इस्तेमाल से उनकी मोहरों की जो नोकें थी वो बड़ी हुई, वो ख़त्म हो गई, वो ठीक हो गई माशाल्लाह। और एक दुमची की हड्डी कि दर्द का पेशेंट भी आया, उसे भी दी, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हुआ। और लेकिन मेरे एक दोस्त ने मुझे एक बार बताया कि उनके पास ये दुमची की हड्डी के एक लेडीज़ आई, वो कहते हैं जी मैं वॉशरूम से स्लिप हो गई और वहाँ पर मैं गिरी और दुमची की हड्डी में दर्द, दुमची की हड्डी जिस तरह बताया, रीढ़ की हड्डी का आखिरी कोना, आखिरी सिरा, तो कहते हैं मेरे पास रूटा 1 mg थी, मैंने 1 mg की एक डोज दी, अगले दिन वो आई, वो कहती हैं दर्द गायब है, दर्द हो ही नहीं रही। तो इसके अलावा रूटा को मैंने बहुत सारे जो मेरे पास हड्डी टूटने के मरीज़ आते हैं उनको मैं आर्निका, कल्केरिया फास और ये रूटा दिया करता हूँ, साथ में फाइटा मदर टिंक्चर भी दिया करता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत जल्द कवर हो जाते हैं, क्योर हो जाते हैं।